हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे जिस स्मार्टफोन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है सच में एक मॉन्स्टर फोन, और ये फोन है हमारा सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का M30s। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आज की वीडियो हम देखेंगे इस फोन की पूरे डिटेल, देखेंगे आखिर ऐसा क्या कुछ खास दिया हुआ इस फोन में जो इसको सच में एक मॉन्स्टर फोन बना देता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ। आप अगर नए मेरे चैनल पे तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। सबसे पहले हम इसके लुक की बात कर लेते हैं। तो लुक आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार सा लुक दिया हुआ है। पीछे की तरफ में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, और बैक पैनल में आपको जो है डिजाइनिंग बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलता है। स्पार्कलिंग इफेक्ट के साथ में आपको बैक पैनल देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा, बाकी जो है प्लास्टिक बॉडी टाइप से दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा मतलब ग्लॉसी फिनिश टाइप में इसका लुक दिया हुआ है बैक पैनल का। तो आइए अब हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाता है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले होने वाला है जो कि सैमसंग की तरफ से है। और इसमें आपको रेजोल्यूशन देखें तो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी 1080x2400 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी, और उसके साथ में एस्पेक्ट रेशियो भी आपको बहुत ही गजब का दिया हुआ है, जो कि आपका है 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है। तो फोन सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, और साथ में इसको मेन फोकस किया गया इसमें थिकनेस का, क्योंकि इसका भी कुछ राज है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो इसमें थिकनेस दिया गया 8.9 mm का थिकनेस इसमें दिया गया है। साथ में वेट की बात करें तो वेट इसका दिया गया है 188 ग्राम वेट दिया गया है। तो डिस्प्ले का इतना गजब का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, तो फोन सच में एक मॉन्स्टर होने वाला है। साथ में अब हम इसके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड का 9.0 पाई 1 UI के साथ में, और उसके साथ में जो प्रोसेसर मिलता है वो है सैमसंग का एक्सिनोस 9611 माली G72 GPU के साथ में। तो सच में एक दमदार प्रोसेसर होने वाला है बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ में। तो अब हम आते हैं इसके मेन पार्ट पे, जो कि इसका मेन कैमरा दिया हुआ है। तो मेन कैमरे का सेटअप बहुत ही अमेजिंग दिया हुआ है, ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप दिया हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ में मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और उसके साथ में देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो आप साथ में सामने की तरफ में आप शॉट्स वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा शॉट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो वगैरह बनाने में भी बहुत ही अमेजिंग सा 4K रिकॉर्डिंग इसमें आपको देखने को मिलती है, तो शॉट बहुत ही अमेजिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में सेल्फी कैमरा देखा जाए तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे का भी स्पेसिफिकेशन बहुत ही कमाल का दिया हुआ है, मॉन्स्टर स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और अब हम इसके जो एक्सटर्नल और भी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग चीज दिया हुआ है कि आपको हाइब्रिड सिम नहीं दिया हुआ है। और साथ में अब हम इसकी जो है बैटरी वगैरह की बात कर ले तो मेन तो बात आती है बैटरी पे, जिसमें इसका हैशटैग दिया गया है कि हैशटैग गो मॉन्स्टर। तो ये इसमें आपको देखने को मिलती है 6000 mAh की बैटरी, जो शायद अभी तक किसी भी फोन में नहीं मिली है इस प्राइस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, जो कि मैं आगे आपको प्राइस भी आपसे शेयर करूंगा। तो फोन बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि 6000 mAh बैटरी के साथ में परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा। प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा दिया गया है, और साथ में आपको 15 वॉट का टाइप सी चार्जिंग हमें देखने को मिल जाता है। तो यार सब कुछ फोन में भरा हुआ है, परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले है, और सच में इतना क्रिस्प डिस्प्ले दिया हुआ है तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम इसके वेरिएंट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला वेरिएंट देखने को मिलता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 13,999 रुपीज में, और ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो कि अंडर 15,000 में इतना सब कुछ फीचर, और अभी तक ऐसा कोई भी फोन नहीं है जिसमें आपको अंडर 15,000 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो ये है इसके कुछ खास फीचर्स वगैरह। इसमें जो कलर्स आते हैं वो भी बहुत ही अमेजिंग दिए हुए हैं, 3 कलर दिए हुए हैं, तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं कलर इसके सबसे अमेजिंग दिए हुए हैं। और इसकी जो सेल होगी वो स्टार्ट होगी अमेजोन पे, स्पेशल सेल स्टार्ट होगी, तो ये आपको 29 सितंबर से अमेजोन पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हो जाएगा। तो बने रहिएगा, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा आपको ये फोन कैसा लगा, कौन सा स्पेसिफिकेशन आपको सबसे जबरदस्त लगा जो कि एकदम मॉन्स्टर स्पेसिफिकेशन है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को एक लाइक तो जरूर से दबा ही दीजिएगा। बाकी अगर आप नए मेरे चैनल पे तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, और वीडियो को भी शेयर वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।